हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यानी कि जब हम लोग एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं क्या क्या उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एजुकेशनल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ठीक है policies, तो ये जो रिसर्च की फील्ड है ये उस टाइप की रिसर्च है जिसका फोकस फोकस uh, होता है इन्वेस्टिगेशन करना किस चीज़ की एजुकेशन से रिलेटेड प्रोसेसिस जितने भी हैं जो पॉलिसीज हैं जिस तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से एजुकेशन दी जाती है उस सब पे रिसर्च करना ये सब किसके अंदर आता है एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आता है ये बहुत ही सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी है जिसमें हम लोग बहुत वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड को यूज करते हैं ठीक है इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी एक प्रॉपर तरीके से ये सॉरी प्रॉपर तरीके से ये रिसर्च कंडक्ट करी जाती है इट इज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर साइंटिफिक इंक्वायरी होती है आपने साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में पढ़ा है और मैंने वीडियो भी डाली है वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग मेथर्ड यूज करते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले और जो भी एजुकेशनल आउटकम है वो बेटर हो कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में जो भी रिसर्च हो रही है उसका क्या गोल है एट द एंड हम चाह रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन का प्रोसेस है वो और अच्छा हो और ज़्यादा स्मूथ है ना यही हम चाहते हैं ना तो उसके बेसिस पे ये रिसर्च कंडक्ट होती है हेयर आर सम की कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यहाँ पे कुछ कॉमन और की कैरेक्टरिस्टिक मतलब सबसे ज़्यादा तो ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स है वो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है एम्पेरिकल आप जब भी रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे ना अब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें एम्पेरिकल बार बार रिपीट हो रहा है सो एजुकेशनल रिसर्च एम्पेरिकल होती है नेचर में मतलब ये बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन्स पे and data collected through systematic method, yani कि this research is something which is based on observation, जो आप देख रहे हो आप note कर रहे हो जो data आपने collect करा है yani कि ये research कहीं ना कहीं बेस्ड है आपके डाटा पे, या फिर जो चीज़ें आपने देखी हैं और ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी चीज़ आप थ्योरी बोलते हो आप कंसेप्ट बोलते हो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट डाटा है सो दैट मीन्स दैट इज़ एम्पेरिकल तो ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है बहुत बार रिसर्च के जब हम लोग बारे में पढ़ते हैं तो एम्पेरिकल इज़ समथिंग जो बहुत बार पढ़ा जाता है सो एजुकेशनल रिसर्च इज़ एम्पेरिकल इन नेचर दैट इज़ मी दैट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्टेड थ्रू सिस्टमैटिक मेथड्स ठीक है ये यूज़ होता है टू सपोर्ट और रिफ्यूड थ्योरीज कंसेप्ट और हाइपोथीसिस किसी भी uh, थ्योरी को अगर हमें एक्सेप्ट करना है या हम सॉरी किसी हाइपोथीसिस को एक्सेप्ट करना है इग्नोर करना है तो इस डाटा के बेसिस पे हम उसे कर पाते हैं आपने सोचा था कि आप एक्सेप्ट करोगे लेकिन आपका डाटा आया नहीं उस हिसाब से तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये सब चीजों में एम्पेरिकल वर्ड बहुत यूज होता है देन आता है सिस्टमैटिक एजुकेशनल रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन इट्स अप्रोच मीनिंग दैट इट इज़ कंडक्टेड यूजिंग अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रोसेस यानी ये ना बहुत ही सिस्टमैटिक होती है ना वर्ड दैट मीन कोई भी वर्ड आप सुनते हो सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर तरीके से है ना तो ये भी एक प्रॉपर अप्रोच है जिसमें आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर मतलब एक तरीके में एक सिस्टम में रह के एक सिस्टमैटिक फ्लो में काम करना है जिसमें आप अपने रिसर्च का टॉपिक चूज करोगे टॉप हाइपोथीसिस सेलेक्ट करोगे रिसर्च मैथड कौन सा होना चाहिए क्या है किस तरह से डाटा कलेक्ट करोगे उसके बाद क्या कंक्लूजन है ये सारी चीजें ऐसा ही नहीं है कि बस हो गई रिसर्च करना शुरू कर दिया आज और हो गया नहीं इसके लिए एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है इट्स वेरी मच सिस्टमैटिक ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है देन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब है एजुकेशनल रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर मीनिंग दैट इट स्ट्राइव्स टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेज और प्रिजुडिस मतलब सपोज एक पर्सन है ये रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक के ऊपर लेकिन ये इस टॉपिक के ऊपर जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो इसको लगता है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए यहाँ पे एंटायरली आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो जो आपने रिसर्च करी है आसपास के सारे फैक्टर से फर्क पड़ना चाहिए आपके खुद के थॉट से आपकी रिसर्च पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सो एजुकेशनल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में मतलब कि पर्सनल बायसेस जो हम सोचते हैं उस सबसे दूर होती है एंड यहाँ पे हम न्यूट्रल एंड अनबायस पर्सपेक्टिव मेंटेन करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद है जनरलाइजेबल एजुकेशनल रिसर्च शुड बी जनरलाइजेबल मीनिंग आप अगर एक बात कर रहे हो कि आपने एक सैंपल पे ये कोई रिसर्च करी ठीक है आपने यहां पे रिसर्च करी तो अगर आप यहां पर कहीं बड़ी पॉपुलेशन पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हो इस रिसर्च का जो भी फाइंडिंग आई है तो उस पर भी अप्लाई हो सके दैट द फाइंडिंग शुड बी एप्लीकेबल टू अ लार्जर पॉपुलेशन जो भी आपकी फाइंडिंग है वो एक बड़ी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई हो जानी चाहिए ठीक है बियॉन्ड द सैंपल यूज इन द रिसर्च यानी कि जो सैंपल आपने यूज करके ये रिसर्च करी है उसके अलावा अगर आप बाहर जाके रिसर्च करते हो तो वहां पर भी अप्लाई होनी चाहिए दिस रिक्वायर अप्रोप्रिएट सैंपलिंग मेथड्स एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस

उसके बाद आता है एथिकल एजुकेशन रिसर्च मेथड एडियर टू एथिकल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस इंक्लूडिंग इनफॉर्म कंसेंट प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द अवॉइडेंस ऑफ हार्म आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके रिसर्च से किसी और पर्सन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि आपने तो रिसर्च कर दी बट सामने वाला परेशान हो रहा है सफर कर रहा है क्योंकि आपने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए या आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हो कि उसको बॉडर हो तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है एथिकल ग्राउंड्स पे कि जब भी रिसर्च करते हो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए किसी के बारे में भी इंक्लूड करते हो किसी की भी कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो कंसेंट उनका होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्शन आपको देनी है एंड राइट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको ध्यान रखना है अगर कहीं पे जरूरत है तो लोगों को आप बताओगे नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला था ठीक है ना ये चीजें नहीं करनी है आपको देन प्रैक्टिकल एजुकेशनल रिसर्च शुड हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड बी रेलिवेंट टू एजुकेशनल प्रैक्टिस एजुकेशन रिसर्च के ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने चाहिए ठीक है मतलब कि अगर आप बोल रहे हो कि आपने किसी पॉलिसी को बनाने को लेके कोई रिसर्च करी लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में तो कोई फायदा नहीं हुआ ना ये रिसर्च आपकी प्रैक्टिकल नहीं हुई सो एजुकेशन रिसर्च शुड हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड ये रेलिवेंट होनी चाहिए एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग यानी कि उनके काम की होनी चाहिए ऐसी पॉलिसी जो रिलेटेड ही ना हो ऐसी नहीं बनानी ठीक है फाइंडिंग जो है वो एडुकेटर्स के लिए काफी यूजफुल होनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी यूजफुल होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन बड़े आराम से अच्छे से ले सके एंड दूसरी चीज रिलेटेड टू करिकुलम टीचिंग मैथर्स एंड अदर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस तो मतलब जब भी आप कोई चीज बनाते हो ढूंढते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई भी हो रही है इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल राइट देन कोलैबोरेटिव देखो आप एक बात सोचो आप आज किसी टॉपिक को लेके काम करना शुरू करें राइट right? लेकिन आपने ऑब्वियसली या तो वो टॉपिक खुद सोचा भी होगा लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना सपोज किसी एक ने ए एरिया में काम किया तो अब हम बी एरिया में उसका वो देखना चाहते हैं कि वो रिसर्च कैसे कंडक्ट होगी क्योंकि इस रिसर् इस एरिया में कभी रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई तो लेकिन आपने कहीं ना कहीं जो सामने वाले ने पहले काम किया था उसके बेसिस पे उसके काम के कोलेबरेशन में आपने कुछ नया काम किया ना सो एजुकेशनल रिसर्च हमेशा कोलैबोरेटिवली कंडक्ट होती है कई और इनफैक्ट ये तो एक छोटा एग्जांपल है दूसरे लोग जो जितने भी रिसर्चर्स हैं साथ में मिलके काम कर सकते हैं एनालाइज डाटा साथ में कर सकते हैं और जब कोलैबोरेशन करते हैं ना तो उससे कहीं ना कहीं ये श्योर हो जाता है कि क्वालिटी अच्छी है एंड रिसर्च सही हुई है एंड दूसरी चीज़ आपकी फ़ाइंडिंग्स वगैरह के बारे में आपको पता चल जाता है ऑल कई जगह पर ये अप्लाई नहीं होती है बट अगेन यू नो कि कोई लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो दे ऑलवेज वर्क टुगेदर कि ठीक है तुम थोड़ा सा ये कर लिया या आपकी मुझे जरूरत पड़ी थी क्योंकि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ की थी सो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये होता है ठीक है ना सो दीज वर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च एम्पेरिकल सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव जर्नलाइजेबल एथिकल प्रैक्टिकल एंड कोलेबरेटिव एंड उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं लेकिन हमने इस वीडियो में इतने ही डिस्कस करें नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे इसके प्रेप विद हर्षिता डॉट कॉम एंड प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोज़ मिल जाएंगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर एक्सप्लोर कीजिए थैंक यू सो so.